हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा एंजल नंबर और ऐसा एक स्विच वर्ड जिसे यदि आप चैंट करते हैं या आप उसको एक मैं सर्कल बताऊंगा, एनर्जी सर्कल, आप उस एनर्जी सर्कल में आप रखते हैं, उसे बना के रखते हैं अपने घर पे, तो आपको जानते हैं उससे क्या होगा। यदि आपके सामने कुछ आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो जहां पे आप किसी का सच रिवील करना चाहते हो और आपको पता है कि वो सामने वाला बंदा सिर्फ आपको बहलाने के लिए आपके सामने झूठ बोल रहा है, उसका सच आपको पता है लेकिन दुनिया को उसका सच नहीं पता है और आप उसका सच दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तो आपको मैं आज एक ऐसा स्विचवर्ड और एक ऐसा एंजल नंबर बताने वाला हूं और उसका यूज करने के तरीका, जिससे कि उस इंसान का सामने दुनिया के सामने सच आएगा, उसका चेहरे पे जो मास्क लगा रखा है ना उसने, झूठ का मास्क, एक बनावटी मास्क जो है वो मास्क भी उसका दूर होगा। ठीक है, तो होता क्या है प्रॉब्लम, ये थी, मान लीजिए आप किसी एक अपने घर में हैं, लाइक आप इन लॉज के हैं चाहे कहीं भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपके घर में कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सामने, तो अगर आप और वो अकेले हैं तो आपके सामने बिहेवियर करेंगे बिल्कुल अपोजिट, अलग ही बिहेवियर रहेगा, लेकिन दुनिया को दिखाया जाएगा कि हाँ आप उसके लिए कितने अच्छे हो, कितने केयरिंग हो, लेकिन जो उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है ना दुनिया के सामने कि हाँ ये, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक यूनिवर्सल एग्जांपल है, सास बहू होती हैं, आपस में दोनों का मैचअप नहीं हो पाता, ठीक है, कोई बहू कुछ और कहती है, सास कुछ और कहती है, तो आपस में क्लैशेस बहुत रहते हैं, या होता है कई बार ऐसा है लाइक आपके हस्बैंड कुछ आपसे चीट कर रहे हैं आपको, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है, आप जानते हैं चीट कर रहे हैं आपके साथ, वो पता लगाना है आपने, किसी का चेहरा दुनिया के सामने लेकर आना कि हाँ मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, लेकिन आपके वहां चलती नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लेडीज अपने अगर ससुराल में होती है ना वहां पे उनकी सुनवाई कम होती है, ठीक है, तो वो फंस जाती है क्योंकि वो सामने किसी का चेहरा भी लेके नहीं आ पा रही है कि हाँ झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। तो जो एंजल नंबर मैं आज आपको बताने वाला हूं ना, इस एंजल नंबर को यदि आप चैंट करते हैं और जो आपका जो स्विच वर्ड है उसको चैंट करते हैं, तो आप देखना बहुत जल्द सामने वाले की सच्चाई, जिसकी आप सच्चाई सामने लेके आना चाहते हैं ना, सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि जैसे लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं, सामने वालों से पता, आपको पता रहता है कि आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, डबल डेट कर रहा है, लेकिन आप जब भी पूछने की कोशिश करते हो वो बातें घुमा देता है या बातें घुमा देती है, ठीक है, तो उनका चेहरा आपके सामने नहीं आ पाता, आप चाहते हो मैं उन्हें रेड हैंडेड पकड़ूं, रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं आप उन्हें, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने मुंह से सारा सच उगलते कि हाँ ये मेरी गलती हुई, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, तो अगर वो सच सामने लेके आना चाहते हैं ना, तो आज मैं आपको एंजल नंबर दे रहा हूँ, एंजल नंबर मैं इस पर स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ एंजल नंबर क्या है, एंजल नंबर है सत्या अनमास्क, स्पेल आउट करता हूं मैं, SATYA अनमास्क, UNMASK, ठीक है, सत्या अनमास। इस स्विचवर्ड को जितना हो सके चैंट करो, जब भी आपको कुछ ऐसा फील होने लगा ना, सामने वाला इंसान आपके सामने है और वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो उस मोमेंट पे वो चीज चैंट करना शुरू कर दो, आप देखना उसके अंदर ऐसी एनर्जी आएंगी, आपका और ऐसा क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक कि वो इंसान आपके सामने ना धीरे धीरे अपना ट्रुथ निकालना शुरू कर देगा, आपके सामने सारी सच्चाई लाना शुरू कर देगा, आपके सामने सरेंडर हो जाएगा, होता ना सरेंडर नहीं करते लोग, झूठ बोल रहे, एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो इंसान ऐसा आपके सामने अपना को सरेंडर कर देगा कि हाँ भाई मैं इसके सामने झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं और नहीं छुपाऊंगा कुछ भी, ठीक है, तो ये स्विचवर्ड आपको चैंट करना है, और साथ में एक एंजल नंबर दे रहा हूँ, एंजल नंबर क्या है, एंजल नंबर थोड़ा बड़ा है, नोट कर लीजिए, ये भी मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, 774 आगे डैश 778 फिर आगे डैश 444 फिर आगे डैश 558, ठीक है, ये भी जो एंजल नंबर, इसे भी चैंट करना है आपको, जितना हो सके मैक्सिमम एज मच यू कैन उसे चैंट कीजिए, और आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, एक एनर्जी सर्कल बता रहा हूं कैसे बनाना है, उस एनर्जी सर्कल को आप अपने घर में जिस भी इंसान के आप वो चीजें रिवील करना चाहते हो ना उसी के सामने, उसको अगर वो देखो, वो देखेगा तो ऑब्वियसली बोलेगा ये क्या चीज है, तो आपको अपने घर में ओपनली लगानी है चीजें, एक छोटा पेपर लेना है, मैं आपको दिखाई भी देता हूँ, देखो जैसे ये है, मैंने सर्कल बना रखा है, सर्कल में आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है अपना नाम, क्योंकि आप चाहते हो आपके सामने उसकी सच्चाई सामने आए, पहले ऊपर अपना नाम लिखोगे, फिर नीचे आप लिखोगे यहाँ पे सत्या अनमास्क, ठीक है, जो मैंने आपको स्विचवर्ड बोला है SATYA सत्या अनमास्क, ठीक है, उसके नीचे आप लिखोगे एंजल नंबर, एंजल नंबर क्या है 774-778-558,
444-558 ये एंजल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है पर्सन का नाम जिसकी सच्चाई आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, उसके नीचे लिखो कि पर्सन का नाम। और इसके चिपकाना कहाँ पे, या तो किसी दीवार पे, छोटा सा पेपर, इतना पेपर लेना है, दीवार पे चिपका दो, नहीं तो जो आपके घर में अलमीरा, हर के घर में रहेगी अलमीरा, के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना छत वाला, वहां पे पेपर लग के ये सब कुछ लिख कर सर्कल बनाकर वहां पे चिपका दो। आप देखना ये एनर्जी सर्कल इतनी तेजी से काम करता है ना, आप जैसे चाहते हो ना कोई उस इंसान का चेहरा दुनिया के सामने रिवील हो और आपकी सच्चाई सबके सामने आए, आप देखना बहुत जल्द उस इंसान की सच्चाई सामने आएगी और वो आपके सामने कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। ये स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर ताकत होती है। आप यदि सच्चे इंटेंशन से आप ही करते हो ना, इंटेंशन मन में क्या लेकर आनी है कि हे भगवान, मैं जो स्विच वर्ड एंजल नंबर चैंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं चाहता हूँ कि सामने वाले पर्सन जिसका आप नाम ले रहे हो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए, उसके बाद आपको ये चैंट करना है। और आप देखना विद इन ए मंथ आपको कैसे रिजल्ट दिखाई देना शुरू होता है इसका, ठीक है। इसे यूज जरूर कीजिएगा यदि आप किसी का रिवील करना चाहते हो सच, अगर किसी का चेहरा सामने लेकर आना चाहते हो दुनिया के, तो इसे चैंट करना मत भूलना। हो सके तो एंजल नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लो। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, दोनों एंजल, ये एंजल नंबर और स्विच वर्ड, अपनी पानी की जो पानी पीते हैं ना, वाटर बॉटल पीते हैं, तो उसके ऊपर एक डॉक्टर टेप लगाकर उसके ऊपर भी लिख सकते हो। उससे बेटर तरीका एक चीज बताता हूँ, यदि मान के चलो आप अपने ही पार्टनर है उस सच सामने लेकर आना चाहते हो, यदि वो पानी की बॉटल पानी पीते हैं ना, उसकी पानी की बॉटल पे या फिर डॉक्टर टेप लगा के लगे लिख सकते हो आप ये, ताकि ये एनर्जीज उसके अंदर भी जाए, ठीक है। जो क्योंकि स्विच वर्ड आप जिस पानी की बॉटल लगा रहे हो उस पानी के अंदर इसकी सारी एनर्जी चली जाएंगी, और जब जब इंसान वो पानी पिएगा उसकी एनर्जी उसके अंदर जाएंगी, ठीक है। तो उस इंसान के अंदर अपने आप ही क्रेविंग पैदा होगी, नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, अब मेरा मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, जिसके आज जिससे भी झूठ मान को चलो वो आपसे झूठ बोल रहा है ना, तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसे सिनेरियोस बनाएगा, ऐसी भूमिका बनेगी कि वो इंसान अपने आप ही सच बोलना शुरू कर देगा। ये चीज प्रैक्टिकली करी हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, फर्क दिखाई दे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।